हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कटहल की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स जो लगेंगे हमें कटहल की सब्जी बनाने के लिए। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कच्चा कटहल, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया और अदरक। और फिर हमें चाहिए होंगे कुछ गरम मसाले, जिसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम कटहल को उबाल लेंगे और उबालते समय हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। कटहल को उबलने के लिए 14 से 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम हरी पेस्ट बनाएंगे, जो बनाने के लिए हमें सारे गरम मसाले मिक्सर के जार में डालना है। फिर हम मिक्सर के जार में डालेंगे लहसुन, मिर्ची, अदरक और हरी धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे कुछ इस तरह। चलिए देखते हैं सब्जी बनानी कैसी है। हम कढ़ाई में राई का तेल डालेंगे और जब राई का तेल अच्छे से पक जाए तब हम उसमें तेज पत्ता डाल के कांदा कटे हुए डालेंगे। फिर उसमें उबाले हुए कटहल डालेंगे और उसको अच्छे से चला लेंगे। अगर आप चाहें तो हरी पेस्ट पहले डाल सकते हैं और उसको अच्छे से पका के उसके बाद आप उबले हुए कटहल डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और उसको अच्छे से चला लेंगे। कटहल उबले हुए हैं तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। अब हम इसमें डालेंगे हरी पेस्ट जो हमने बनाई है और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। हरी पेस्ट डालने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हरी पेस्ट अच्छे से पक जाए। हमें इसे बीच बीच में इस तरह चलाते रहना है और ध्यान रहे ये तले में ना लगे। एक बार हरी पेस्ट पक जाए तो उसके बाद हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको जैसा चाहिए आप वैसे पानी डाल सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा नमक डालेंगे, फिर लाल मिर्च पाउडर, फिर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक। फिर हमारी कटहल की सब्जी रेडी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।